जय हिंद जय भारत। में हूँ दौद प्रकाश हिंदी, पेश करता हूँ एनी टाइम न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजधानी में साढ़े हिंदवी संस्थान के एक 350 साल के कार्यकाल को कैसा दिखाया जाएगा, कैसे नाट कला में दिखाया जाएगा, जिसमें दिखाया जाएगा कि हिंदुस्तान की संस्कृति सभ्यता ने किस तरह से अपने आप को संजो के रखा। और इसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश करेंगे और इसका समापन रक्षा मंत्री बुला सके, इसलिए 8 अक्टूबर को भूमि पूजन कार्यक्रम रखा है। उस दिन से कंस्ट्रक्शन हमारा शुरू हो जाएगा और माननीय योगी आदित्यनाथ जी उसके कार्यक्रम के उद्घाटन में हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे। समापन में भारत के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह भी रहेंगे। प्रतिदिन कोई ना कोई तिथियाँ सभी हो रही थे। देश की दिव्य साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में ख्यात नाम सभी जो नाम है ऐसी विभूतियाँ कार्यक्रम में रहने वाली का सदस्यता अभियान चलाया है। क्योंकि हम लोग ये कर रहे हैं सेवा का कार्य, सेवा कार्य से संवेदनशील समाज को जोड़ना, इसलिए हम लोग बना रहे सदस्य। जो हमारा बन जाएगा सदस्य स्थायी रूप से, उसको प्रवेश पत्रिका जारी करेंगे हम, और उस प्रवेश पत्र को दिखा करके तिथि भी तय करेंगे हम, किस तिथि को आपको अंतरिक्ष एक साथ 1,00,000 लोग आए बैठा नहीं पाएंगे। अलग अलग जिलों की तिथियां तय की हैं, लखनऊ के शहर है, शहर को भी हमने छह सेक्टर बना करके अलग अलग तिथियों में लोग हैं, इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं। हम लोग घर घर जा रहे हैं, लोग सदस्य बना रहे हैं और अपना प्रवेश पत्र दे रहे हैं। प्रवेश पत्र से ही वहाँ पर सबका प्रवेश मिशन 27 साल से ये संस्था काम कर रही है और वो काम कर रही जो जो किसी को भी समाज में उनके पास बैठा दो तो वो घिना करते थे। कोड़ी समाज उनको कोड़ी हैं, जैसे वो हैं, उनको लेके उनके बच्चों को शिक्षा दे रही है, उनको रख रही है, उनको रेजिडेंस दी है। ये हरिद्वार में बहुत बड़ा काम आशीष जी कर रहे हैं और ऐसा लखनऊ जाता राजा आएगा तो एक लखनऊ में मैसेज देगा शिवाजी के बारे में। पहले पढ़ते थे हम लोग, किताब में पढ़ते थे, कॉपी में पढ़ते थे, अब 4.5 घंटे जो नाटक होगा उसमें हम लोग वो नाटक देखकर उसकी कल्पना सोचेंगे। और ये लखनऊ के लिए संजीवनी बूटी देने का काम कर रही, लखनऊ में हो रहा, पूरे प्रदेश से व्यक्ति आएंगे, पूरे जहाँ जहाँ मैं देख रहा हूँ, गोंडा में बैठक हो रही, फैजाबाद में बैठक हो रही, हरदोई में बैठक हो रही, सीतापुर बैठक हो रही, वहाँ से अब यहाँ सब आने वाले। और हमारा जो 26 से 31 तारीख तक हर जिला डिवाइड है कि इस जिले इतने जिले इस तारीख को आएंगे, इतने जिले इस तारीख को आएंगे, इतने जिले इस तारीख को आएंगे। और 31 तक जो काम जो लखनऊ में एक संदेश देने का काम है, ये बहुत बड़ा काम देने जा रहे हैं आशीष जी। मैं आशीष जी को लखनऊ में ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इसलिए लखनऊ के जनता भी उनका आभार प्रकट करेगी, अभिनंदन करेगी जिस तरह से इन्होंने ये कार्यक्रम व्यवस्थित की है। आज देखिए मुख्यमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे, रक्षा मंत्री जी उसका समापन करेंगे, 8 तारीख को उसकी भूमि पूजा होगी, उसका स्टेचर बने, यहाँ पे 300 कलाकार आकर लखनऊ में रहकर उसकी करेंगे। बहुत बड़ा मिशन है और ये कार्यक्रम अगर जब देखेंगे, हम किताब में पढ़ लेते हैं, उसमें पढ़ लेते हैं, अगर हम कोई पिक्चर बन के अगर देखते हैं तो मेरे माइंड में बैठ जाता है, ऐसे ये नाटक होगा और ये संजीवनी बूटी देने का काम पूरे उत्तर प्रदेश को करेगा।